हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरप्रीत सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन क्रिप्टोनेटर। दोस्तों, जैसा कि आपने ही वोट किया था, आप ही आपको मैं अभी अब न्यू जो न्यू व्यूअर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि हमने एक टेलीग्राम चैनल खोला है जिसके अंदर हम आप ही से पूछते हैं और आपको सिग्नल्स देते हैं कि कौन सा कॉइन कब बाय करना चाहिए और कौन सा कॉइन कब सेल करना चाहिए। और जो भी हमारी नई वीडियो आने वाली होती है, वो हम आपसे ही पूछते हैं कि कौन सी वीडियो हमें बनानी चाहिए, कौन सी की आपको जरूरत है और कौन सी की नहीं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट्स में भी लिंक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप ही ने कहा था कि एक वीडियो बनाओ कि अगर आप एक न्यूबी हो तो आप कैसे इन्वेस्ट करते ₹50,000 इन क्रिप्टो करेंसी। पहली बात तो मैं न्यूबी हूँ, इसका मतलब मेरे पास जो 50,000 होने चाहिए, पहले मुझे रूल्स पढ़ने चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी में आने से पहले कौन से रूल्स अप्लाई करने चाहिए। तो अगर आप न्यूबी हैं, आपने नहीं अभी अभी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की सोची है, तो नीचे जो लास्ट वीडियो है मेरी वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा मेरी लास्ट वीडियो की, और अभी ऊपर आ रहा होगा वो देख लीजिए वीडियो, और उसके अंदर जाके रूल्स पढ़ लीजिए। तो मैं ₹50,000 जो अभी इन्वेस्ट करूंगा, वो कभी किसी से मैं बोरो किया वो इन्वेस्ट नहीं करूंगा, वो मेरा अपना होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे कि मैं 50,000 कैसे इन्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं काफी ज्यादा सर्च करूंगा कॉइन्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है और क्या सीन होता है, कैसे चलती है, सब का सब इसके ऊपर सर्च करूंगा। मैं अपना ₹50,000 किसी भी चीज पे, ऐसी चीज पे नहीं लगाऊंगा जब तक मैं करोड़पति नहीं हूँ कि जो भी जहाँ 50,000 में मेरा उड़ता है उड़े। मैं पहले उसके बारे में सर्च करूंगा क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक कोई वेबसाइट ढूंढूंगा जहाँ पे मेरी सारी क्रिप्टो करेंसी मिले। तो वेबसाइट है coinmarketcap.com, आप उधर जाके देख सकते हैं, सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी आपको वहां मिल जाएंगी। तो मैं कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होल्डिंग होती है, कुछ करेंसीज ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग होती है, कुछ करेंसीज ऐसी होती है जो पीक पे चल रही होती है, कुछ करेंसीज ऐसी होती है जो अंडर वैल्यूड होती है। तो जो करेंसीज मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है, मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि मेरे को और काम होते हैं, मैं डे ट्रेडर तो बनूंगा नहीं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं ₹50,000 लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा। तो कैसे करूंगा देखते हैं। कुछ कॉइन्स मैं वो वाले ढूंढूंगा जो कॉइन सबसे बेस्ट चल रहे हैं मार्केट में इस समय, चाहे पीक पे भी है लेकिन कॉइन्स का प्राइस कभी कम नहीं होगा। वो क्या कौन से कॉइन्स है जिनका काम है, वो पूरी जिंदगी अपनी काम कर रहे हैं, कॉइन्स पूरे काम जोश के साथ काम करने को लगे हुए हैं, वो कॉइन्स है जैसे इथेरियम। ये कॉइन मेरा फेवरेट कॉइन है स्टार्टिंग से। मेरे को बिटकॉइन के बारे में बाद में पता लगा था, पहले मुझे पता लगा था इथेरियम के बारे में। दोस्तों, मैंने अपना 50,000 में से ₹7,500 इथेरियम में खर्च कर दिया। अगर यहाँ 1355 से ये 500 भी चला जाता है इथेरियम, तो भी मैं निकाल लूंगा नहीं, क्योंकि मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म मतलब 1, 2, 2.5, 3 साल। पहली बात तो मैं 50,000 वो इन्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा ₹50,000 जीरो भी हो जाए, मतलब मेरा हैक हो जाए वॉलेट, कुछ भी हो जाए, जीरो भी हो जाए मेरा ₹50,000, तो मैं जाके किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि भाई तेरे कारण हो, कि भाई तेरे कारण हो। वीडियो आपने देख ली है मेरी रूल्स वाली, तो आप यहाँ पे आके देख लीजिएगा कि मैंने कौन से अकाउंट्स में इन्वेस्ट किया, नहीं तो आप पहले रूल्स देखिए। मेरा ये पैसा जीरो, मैंने जो कहा बात वो ध्यान रखना कि पैसा अगर जीरो भी हो जाए तो आपको इतनी कोई वो नहीं होनी चाहिए कि आप ने अपने बच्चे की फीस लगा दी है या आपने अपनी कॉलेज की फीस लगा दी है। हमेशा उतना इन्वेस्ट करना जितना आप लॉस करो तो प्रॉब्लम नहीं हो। तो ₹7,500 मैंने इथेरियम पे लगा दिया। अब मेरे को एक और कोई ऐसे कॉइन देखना है जो अभी इस समय चाहे पीक पे है लेकिन उसकी वैल्यू कभी वो नहीं होगी, फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब 1, 2, 3, 4 साल बाद भी उसकी वैल्यू आगे ही बढ़ेगी, तो वो है कार्डानो। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो लाऊंगा, बस स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मेरे को वो बहुत ज्यादा मतलब काम होता है, डे ट्रेडर भी हूँ मैं, तो ये वीडियो भी आएगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ये वीडियो कार्डानो के ऊपर जल्दी आएगी, टेलीग्राम पे अपडेटेड रहिएगा। तो कार्डानो के ऊपर मैं ₹7,500 खर्चता, दोनों एक ही काम करते हैं, इथेरियम और कार्डानो, दोनों के अंदर अच्छा कॉम्पिटिशन रहेगा, इसी कारण मैं दोनों पे इन्वेस्ट करूंगा। आगे चलते हैं। अब मैं कुछ ऐसा कॉइन ढूंढूंगा जिसकी काफी बड़ी न्यूज आने वाली है थोड़े दिनों में, तो मैं उस पर इन्वेस्ट कर दूंगा।
थोड़ा सा ज्यादा करूंगा इन दोनों से, क्योंकि मैं उसके अंदर से जल्दी बाहर भी निकल जाऊंगा, जैसे सिया कॉइन के साथ हुआ था। हार्ड फॉक होनी थी, कॉइन भड़ा, कॉइन वापस नीचे जा रहा है, जिन्होंने निकाल दिया उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, मतलब डबल से भी ज्यादा हुआ। तो ऐसा कोई कॉइन ढूंढ लूंगा जिसकी न्यूज आने वाली है, या फॉक होने वाला है, या कुछ ऐसा होने वाला है, वो कॉइन है जो मैंने ढूंढ के रखा है। लिस्ट 20th of February को इस कॉइन की SDK लॉन्च हो सकती है, मेरे ख्याल न्यूयॉर्क में है इनका पूरा का पूरा फंक्शन। तो आप, मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा 10,000 रुपीज, लेकिन काफी एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब लॉन्ग टर्म भी नहीं, शॉर्ट टर्म भी नहीं, क्योंकि 2 या 3 डे ट्रेडर वाली इन्वेस्टिंग भी नहीं करूंगा कि आज ही डाला तो कल निकाल लिया, और मैं इसको लॉन्ग टर्म 2-3 साल की भी नहीं करूंगा। कल 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब इसका प्राइस डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, निकाल लिया। इसको ये नहीं किया कि मतलब मैं वो हो गया, लालच में आ गया और मैंने सारे डाल दिया, ये काम नहीं करूंगा। अब मैं थोड़ा सा पैसा, मतलब थोड़ा सा मतलब 50,000 रुपये में से 3,000 रुपये, बहुत कम अमाउंट होती है 50,000 रुपये में से 3,000 रुपये, मैं ऐसे क्वाइन के ऊपर लिखाऊंगा जिसका प्राइस बहुत लो है, मतलब है ही नहीं कुछ, बहुत लो है प्राइस, बहुत लो, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है उसके बहुत ज्यादा गेन देने के, लेकिन उससे ज्यादा चांसेस है वो आपको कच्चा खाने के, क्या मतलब आपको लॉस करवाने के। तो मैं उस कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा। वो कॉइन अभी तक मेरे को काफी ज्यादा लोगों ने बताया, B3 कॉइन। तो मैं इसके ऊपर, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इस कॉइन के ऊपर, मैं आपको बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये इन्वेस्ट करो, सिर्फ 3,000 या 4,000 रुपये, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका पोर्टफोलियो अगर 50,000 का है, नहीं तो आप जितना, मतलब ये एक हाईली रिकमेंडेड कॉइन नहीं है, लेकिन अगर आपको मतलब 3,000 रुपया कुछ नहीं लगता, आप इस पे इन्वेस्ट कर लो और इसको भूल जाओ, ये मत याद रखना कि आपको ये 3,000 वापस मिलेगा, ये रखो कि ये 3,000 गया मेरा बस, और आगे से मैंने इस 3,000 के पीछे नहीं भागना। इस 3,000 के ऊपर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 0 भी हो जाए, अगर इसकी वैल्यू 2 सतोशी आगे 0 सतोशी हो जाए, आपका 0 हो गया बिटकॉइन। तो बिल्कुल ये नहीं करना कि मेरा ये मेरे को वापस मिल जाए, आपको क्या करना है, 3,000 लगाना है, आपने भूल जाना है। ये ऐसे कॉइन्स होते हैं, मैं इस पे 3,000 लगाऊंगा और इसको भूल जाऊंगा, ये मेरी वो इन्वेस्टमेंट है, ये खतरों के खिलाड़ी वाली इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर मैं भूल जाऊंगा। उसके बाद मेरी इन्वेस्टमेंट होगी ऐसे कॉइन के ऊपर जिसका प्रोडक्ट आज मार्केट में है और वो काम कर रही है, वेबसाइट कुछ बनने के लिए, कुछ आगे कहीं जाने के लिए, उसका नाम है ब्रेड। इस ब्रेड के ऊपर मैं लगा दूंगा 6,000 रुपए, कितने 6,000 रुपए, क्यों लगाऊंगा, ये काम कर रही है, ये जिंदगी में दुनिया में काम करने आई है, ये वेली नहीं बैठती, कंपनी काम करती है। उसके बाद अब मैं और किस पे लगाऊंगा 6,000 रुपए, कोई वेबसाइट, कोई कंपनी ढूंढूंगा जो कि काम कर रही है और इतनी हिट नहीं है, वो कौन सा पता है, जिसको मैंने काफी 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 वीडियोस में बोला कि भाई ये बाय करो, टेलीग्राम ग्रुप में बोला, इलेक्ट्रॉन। इस पे मैं अपना 6,000 रुपीज और लगा दूंगा, 6,000 रुपीज और लगाने के बाद मैं इसको भूल जाऊंगा, ये मेरी एज अ इथीरियम वाली इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं भाई मैं, तो जिसके अंदर मैं काफी ज्यादा पैसा लगा के भूल जाऊंगा। अब मैं एक कॉइन देखूंगा जिसके अंदर मतलब प्राइस चाहे बढ़ा है बहुत ज्यादा कॉइन का, लेकिन जिसकी सप्लाई कम है और प्राइस और बूम कर सकता है, वो कॉइन पता कौन सा है, लाइनर। ये देखिए, ये कॉइन पे मैं अपना नेक्स्ट 5,000 रुपीज लगा दूंगा। 5,000 रुपीज लगाने के बाद मैं इस कॉइन को भूल जाऊंगा, क्योंकि ये 50,000 रुपया ही भूल जाना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपको भूलना पड़ेगा भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ही भूलना है। तो दोस्तों, मैंने कैसे बनाया अपना पोर्टफोलियो, फिर आपको एक एक्सेल फाइल खोलनी है और उसके अंदर बताना है, दे लिखना है कि कौन से कॉइन्स में आपने कितनी कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट की है, ये इधर लिख देना है लॉन्ग टर्म, इधर लिख देना लॉन्ग टर्म, इधर लिख देना
लेट्स फॉरगेट इट, एपीपीसी नहीं, एपीपीसी पे लिखना है, एपीपीसी पे लिखना है लॉन्ग टर्म, इस पे लिख देना है लेट्स फॉरगेट इट, रिस्क पे लिख देना है 3 months या 2 months, जैसा आपको ठीक लगे, ये आपने बनानी है, ये मेरी कॉपी मत करना भाई, ये मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे कैसे बनाना है। ये देखो, ये इथीरियम अंडर वैल्यूड कॉइन नहीं है, लेकिन एक अच्छा कॉइन है जिसकी वैल्यू मेरे हिसाब से और बढ़ेगी। एडा अंडर वैल्यूड कॉइन नहीं है, वैल्यू इसकी काफी अच्छी चल रही है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म कॉइन है और इसकी वैल्यू बढ़ सकती है मेरे हिसाब से। एपीपीसी एक कॉइन ऐसा है जो अंडर वैल्यूड है, जो कॉइन अंडर वैल्यूड होती है उनको हमेशा कम खरीदो, ये नहीं पता होता कि उसने उड़ना ही उड़ना है, हो सकता है वो गिरे। तो एपीपीसी कॉइन है, ये अंडर वैल्यूड है, अभी अभी आया, कोई पता नहीं कंपनी का, कुछ नहीं पता कि काम करती है कि नहीं, काम अच्छा है। हर कॉइन के बारे में रिसर्च करो अपने जिस पे करना चाहते हो। अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड नहीं है, लेकिन बढ़ सकता है, ये अंडर वैल्यूड है और बढ़ भी सकता है। बी3 कॉइन को पता ही नहीं बढ़ेगा, जीरो होएगा, क्या होएगा, कुछ नहीं पता हमें, लेकिन कॉइन अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, लेकिन कोई पता नहीं है क्या होगा इस कंपनी का, कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत देर से यही सीन चल रहे हैं इसके। लिस्क अगले 3 महीने में कहां जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन जो न्यूज के हिसाब से एक कॉइन होना चाहिए जो न्यूज के हिसाब से चले, न्यूज के, ये लाइनर, लाइनर कॉइन जो है 5000 रुपीज का खरीदा मैंने, क्यों खरीदा, सप्लाई के हिसाब से, मैंने क्या, ये देख लो ना, सप्लाई के हिसाब से, सप्लाई 2 मिलियन कॉइन $50 का, सस्ता है, बहुत सस्ता है, चलो खरीदते हैं, खरीदा 5000 रुपीज का एज अ लॉन्ग टर्म। ब्रेड कॉइन काम कर रही है कंपनी, काम बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, इसका अपना वॉलेट है, ये दोनों कॉइन्स कंपनी के भी एक पोर्टफोलियो में क्या होता है, कॉइन किस बेस पे है वो देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता आपके पास कितने कॉइन्स है, कॉइन किस बेस पे है वो देखा जाएगा। ईटीएम किस बेस पे है, कंपनी काम, कंपनी के बेस पे है ईटीएम, ईटीएम लॉन्ग टर्म, ब्रेड कंपनी के बेस पे लॉन्ग टर्म। अब मेरे को ये टोटल 25,000 इधर मैंने लिखना पड़ेगा, ये मैं आपको पूरा बता रहा हूं कैसे करना होता है। इथेरियम किस किसके ऊपर है, अंडर वैल्यूड है नहीं, वैल्यूड, वैल्यूड बट प्रॉमिसिंग, आपने वो भी लिख दिया, रीजन भी लिख दिया, वैल्यूड बट प्रॉमिसिंग, कोई डे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो आप, बस इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अंडर वैल्यूड बट एंड प्रॉमिसिंग, खतरों के खिलाड़ी, और लिस्क अकॉर्डिंग टू न्यूज, लाइनर, लाइनर ये किस लिए था, अकॉर्डिंग टू सर्कुलेटिंग सप्लाई, ब्रेड कंपनी इज वर्किंग हार्ड, ईटीएन कंपनी इज वर्किंग हार्ड। अब आपको इस एक्सेल फाइल के ऊपर वर्क करना है और रोज क्या, जैसे मतलब आपने देखना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो लिखना नहीं है, बस सोचना है और देखना है बस। अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप देखो ना देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इसमें जो मेन इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ना, जिसके लिए आपको रोज रोज आपको प्राइस देखना पड़ेगा, वो है लिस्क की, सबसे ज्यादा भी है और लॉन्ग टर्म भी है। ऐसे करके एक पोर्टफोलियो बनाना है, उस पोर्टफोलियो के अंदर लिखना है आपने इस पे इतना इन्वेस्ट किया, आपने इस पे इतना इन्वेस्ट किया, आपने ये सारा काम किया, आपने ये सारा काम किया,
इस बेस पे आपने इस पे इन्वेस्टमेंट की, इस बेस पे आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की, ऐसे काम कर। तो बस फिर दोस्तों बस ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये नहीं है कि जहां मर्जी जितना पैसा लगाया भूल गए उसके बाद। भूलना है लेकिन ये नहीं भूलना कि कितना लगाया, कब लगाया। भूलना है कि आपका अगर प्राइस कम हो गया कोई प्रॉब्लम करने की, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक न्यूबी होता मैंने क्या क्या करता और कैसे कैसे करता और कैसे इन्वेस्टमेंट करता। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू था, आपको मेरे पे चलना है वो आपके ऊपर है। एक मतलब एक रूल है, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो कि कभी किसी को ब्लेम नहीं करना। तो अगर आप मेरे ऊपर मेरी कॉपी करते हो आज के इसकी, तो वो आपके ऊपर है। आपने मेरे को मैंने आपको फोर्स नहीं किया, आप कर सकते हो ठीक है, नहीं करना आपकी मर्जी, आप अपना खुद सर्च करो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो मेरा ओपिनियन और मेरा तरीका ठीक था समझाने का, आप मेरी वीडियो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और उनको बताइए कि ऐसे भी एक इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपको अगर वीडियो नहीं पसंद आई आप इसको डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि भाई ये रीजन था, ये वीडियो पसंद नहीं आई और आज सॉरी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। बट ये लंबी तो होनी थी क्योंकि टॉपिक ही इतना खतरनाक वाला चुना आपने, आपने वोटिंग ही इतनी खतरनाक की। तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे है, आप उसको ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।